गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। आज हमारे पास टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट्स एंड कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ये टॉपिक किससे रिलेटेड है बेटा? अगर हम एक फार्मर से पूछें कि उसके पास एक पीस ऑफ लैंड है, पीस ऑफ लैंड, और उसके पास फार्मिंग करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए रिसोर्सेज भी हैं, रिसोर्सेज मतलब लैंड है, टेक्निक है, पानी है, जो भी एग्रीकल्चर के लिए चाहिए उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। अगर आप उससे पूछो कि इस पीस ऑफ लैंड पे, मतलब इस पूरी लैंड को अगर हम लोग यूटिलाइज करें तो वीट का प्रोडक्शन कितना हो सकता है, कितना वीट का प्रोडक्शन हो सकता है, तो कहता है कि मैं इसके ऊपर 100 क्विंटल का वीट प्रोड्यूस कर सकता हूं, यानी 100 क्विंटल वीट इस लैंड के ऊपर प्रोड्यूस हो सकता है। यानी क्या बन गई? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, प्रोडक्शन की संभावना बन गई। अगर मैं उसको ये कहूं कि अगर इसके ऊपर राइस प्रोड्यूस करना हो, अगर ये सारी लैंड हम राइस के प्रोडक्शन पे लगा दी तो कितना प्रोडक्शन हो सकता है, तो कहता है कि 40 क्विंटल का प्रोडक्शन हो सकता है अगर सारी लैंड किस पे लगा दी, राइस की ऊपर, राइस के प्रोडक्शन में, तो 40 क्विंटल का प्रोडक्शन हो सकता है। तो क्या बन गई? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। यानी या तो इसके ऊपर 100 क्विंटल वीट प्रोड्यूस हो सकता है या 40 क्विंटल राइस प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये बन गया हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। अगर हम लोग जैसे ये एक कॉम्बिनेशन बना हमने 100 वीट और 0 राइस, क्योंकि सारी लैंड हमने कहां पर लगा दी, वीट के प्रोडक्शन में। अगर हम सारी लैंड लगा दें राइस के प्रोडक्शन पे, नेचुरल बात है वीट का प्रोडक्शन क्या होगा, 0। दो कॉम्बिनेशन हमारे पास आ गई हैं, दो कॉम्बिनेशंस। अगर हमने कुछ वीट प्रोड्यूस करना हो, कुछ राइस करना हो, तो वो भी हो सकता है। जैसे वी कॉम्बिनेशन आपके सामने क्या कह रहा है कि 90 क्विंटल प्रोड्यूस हो सकता है वीट का, अगर हम लोग कुछ रिसोर्सेज वीट के प्रोडक्शन से हटाकर कहां पे लगा दें, राइस के प्रोडक्शन में, तो राइस का प्रोडक्शन कितना है, 10 क्विंटल्स। हम चाहते हैं कुछ और प्रोडक्शन हो वीट का, तो नेचुरली बात है हमें रिसोर्सेज वीट के प्रोडक्शन से कहां शिफ्ट करने पड़ेंगे, राइस के प्रोडक्शन में। ज्यादा हेक्टेयर पे, ज्यादा लैंड पे क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा, राइस। तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो हमारे पास क्या है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ गए जो कि हम लोग इस लैंड के ऊपर प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द गिवन रिसोर्सेज। तो बेटा इसी टेबल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट्स। क्या डेफिनेशन बनी, इट इज टेबल शोविंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज। गिवन रिसोर्सेज के साथ हम लोग जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं टू गुड्स के, ऑन द अजम्पशन, लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा, क्या मान के चलेंगे, गिवन रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। मतलब कि हमने लैंड को फुली यूटिलाइज करना है, मतलब कोई भी लैंड हमने अनकल्टीवेटेड नहीं छोड़नी है, ठीक है। एंड एफिशिएंटली, इसका मतलब क्या होता है बेटा, कि जो भी रिसोर्सेज हैं हमने उसके उसके कैलिबर के अकॉर्डिंग काम देना है, उसके कैलिबर के अकॉर्डिंग काम देना है, दैट मींस एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। सेकंड, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, कि जो टेक्नोलॉजी अब हमारे पास है उसी को यूज करना है,
तो उसके द्वारा हम लोग कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। थर्ड, रिसोर्सेज आर यूज्ड स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या बेटा, ये ऑप्शन मैंने क्यों ली है आपको बुक में नहीं मिलेगी लेकिन इसको लेना जरूरी है। इसका मतलब क्या बेटा कि भगवान ने जितने भी रिसोर्सेज बनाए हैं, मैं भी एक रिसोर्सेज हूं, आप भी एक रिसोर्सेज हो, डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट सारे क्या है, रिसोर्सेज हैं, लैंड भी एक रिसोर्सेज है। तो आपको पता है कि भगवान ने, गॉड ने हमें सबको इक्वली एफिशिएंट हर काम में नहीं बनाया। मुझे अगर टीचिंग अच्छी आती है, इकोनॉमिक्स अच्छी आती है, तो किसी को फिजिक्स अच्छी आती है, किसी को अकाउंट्स अच्छी आती है, कोई डॉक्टर अच्छा है, जैसे लैंड है आपके यहाँ पे फतेहाबाद की लैंड पे वीट अच्छा होता है, आप रतिया साइड पंजाब साइड जाओगे तो वहां पे राइस अच्छा होता है, आप गुजरात साइड जाओगे तो वहां पे कॉटन अच्छी होती है लैंड के ऊपर। कहने का मतलब ऑल द रिसोर्सेज आर यूज्ड स्पेसिफिक, मतलब जो रिसोर्सेज होते हैं एक पर्टिकुलर काम के अंदर एफिशिएंट होते हैं। तो ये जो टेबल है, ये एक टेबल हम पूरी इकोनॉमी के लिए लेके चल रहे हैं, पूरी देश के लिए लेके चल रहे हैं कि हमारे पास देश के रिसोर्सेज हो, हमें रिसोर्सेज के बारे में पता हो, तो हम अगर उन रिसोर्सेज को फुली यूज करें, मतलब हर आदमी के पास अगर काम हो, जॉब हो, कोई भी बेरोजगार ना हो, और एफिशिएंटली यूटिलाइज करें, मतलब जिस आदमी के अंदर, जिस पर्सन के अंदर जो कैलिबर है उसके अकॉर्डिंग उसको जॉब मिले, और टेक्नोलॉजी को कॉन्स्टेंट रखें, तो हम लोग देश के अंदर कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, दैट बिकम्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। इसको हमने टेबल के थ्रू शो किया है तो क्या बन गया, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट्स। अगर इसी टेबल को मैं डायग्राम के थ्रू दिखाऊं, कर्व के थ्रू दिखाता हूं, तो क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है, बट यहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इट इज टेबल या इट इज ए कर्व। क्लियर? अब इसी टेबल्स को मैं कर्व के थ्रू दिखा रहा हूं। पहला कॉम्बिनेशन क्या है हमारे पास, ए 100 वीट राइस 0, ओ एक्सिस पे मैंने राइस लिया है, ओ वाई पे क्या लिया है, वीट। तो कहां पे आएगा ये कॉम्बिनेशन, आ गया हमारे पास 100 वीट 0 राइस। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है मेरे पास, बी 90 और 10, बी कॉम्बिनेशन। सी 70 और 20, डी 40 और 30, और 40 और 0। अगर इसको हम मिलाते हैं तो ये जो बन गया हमारे पास एक कर्व बन जाता है, तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसके ऊपर जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, बी है, सी है, डी है, ई है, ये सारे कॉम्बिनेशन अटेनेबल हैं। क्या है, अटेनेबल, कि गिवन रिसोर्सेज के साथ हम लोग इतना इतना प्रोडक्शन टू गुड्स का कर सकते हैं। क्लियर बेटा? अगर मैं कॉम्बिनेशन लेता हूं बाहर की तरफ एफ, तो ये क्या है, अनअटेनेबल है। इस कॉम्बिनेशन को अचीव करने के लिए मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज कम है, ये है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। ये सारे कॉम्बिनेशन अटेनेबल हैं। एक कॉम्बिनेशन मैंने लिया यहां पे एच, जो पीपीसी के अंदर है, इसे पीपीसी कह सकते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर पीपीसी, तो ये भी अटेनेबल है, ये भी अटेनेबल है। बट एच और सी, या इसमें क्या डिफरेंस है कि सी और डी कॉम्बिनेशन पे मेरे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज हैं। ये पोटेंशियल है, ये संभावना है। अगर मैं एच कॉम्बिनेशन को लेके चलता हूं जो इसके अंदर है पीपीसी की, इसका मतलब क्या है, या तो मेरे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं है, मतलब कुछ लोग बेरोजगार हैं, या वो एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं है, मतलब
या तो रिसोर्सिस को उनके कैलिबर के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिली हुई। मतलब एक बीटेक वाले को अगर आप चपरासी की नौकरी दोगे, पीएन की जॉब दोगे, जॉब तो कर रहा है बेचारा, सुबह 9 से 5 की जॉब कर रहा है, लेकिन उसको उसके कैलिबर के अकॉर्डिंग काम नहीं मिला। उसका जो एक्चुअल आउटपुट है ये है, लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल कितना है ये, तो इसका मतलब रिसोर्सिस एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं है। तो आप कहां पे ऑपरेट कर रहे हो, कोई भी कंट्री कहां पे ऑपरेट कर रहा है, इनसाइड द पीपीसी। हम इंडिया की बात करें तो इंडिया कहां पे ऑपरेट कर रहा है, इस पीपीसी के ऊपर या इनसाइड? तो नेचुरली बात है आपका आंसर क्या होगा कि सर इनसाइड। क्यों? क्योंकि सर ना तो रिसोर्सेज हमारे कंट्री के अंदर फुली यूटिलाइज है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड है, ना ही रिसोर्सेज को उनके कैलिबर के अकॉर्डिंग काम मिला हुआ है। तो इसका मतलब हमारे देश के अंदर जो एक्चुअल आउटपुट है, ये है एक्चुअल आउटपुट और ये क्या है पोटेंशियल। तो इसका मतलब एक्चुअल आउटपुट जो है पोटेंशियल से क्या है कम है। क्लियर बेटा? तो ये था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट एंड कर्व। अब बात आती है इसकी फीचर्स की, फीचर्स ऑफ पीपीसी। मतलब कहने का मतलब आपको पीपीसी की जो शेप नजर आ रही है वो कैसी नजर आ रही है, तो आपको दिख रहा होगा कि जो पीपीसी कर्व है वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। मतलब जो इसका स्लोप है, जो इसका ढलान है वो क्या है, स्लोप ऑफ पीपीसी डाउनवर्ड, नीचे की ओर है, नेगेटिव स्लोप है। नंबर टू, ये आपको इसका जो स्लोप नजर आ रहा है वो कैसा नजर आ रहा है, कैसी शेप बनी हुई है, स्लोप जो इसका है वो है पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजन। ये ओरिजन होते हैं कॉनकेव, आपने साइंस के अंदर लेंस किए हुए, लेंस एक कॉन्वेक्स होता है और एक कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस कैसे होता है ऐसे और कॉनकेव ऐसे, ठीक है? तो ये कैसी शेप है कॉनकेव। तो इसकी फीचर्स हैं स्लोप ऑफ पीपीसी डाउनवर्ड, मतलब क्यों है इसका स्लोप नेगेटिव क्यों है, इसी डेफिनेशन के अंदर इसका स्लोप डाउनवर्ड क्यों है वो छिपा हुआ है। देखो बेटा, हमने ये पीपीसी किस अजम्पशन पे बनाया है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो ऑलरेडी क्या है फुली यूटिलाइज्ड हैं एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड हैं। इसका मतलब कि अगर मुझे ए से बी कॉम्बिनेशन की ओर आना है, अगर मुझे राइस का प्रोडक्शन करना है, तो नेचुरल बात है वो रिसोर्सेज कहां से आएंगे, मुझे रिसोर्सेज वीट से हटाने पड़ेंगे, तो नेचुरल बात है वीट का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अगर मुझे बी से सी आना है, मतलब और ज्यादा राइस का प्रोडक्शन करना है, तो मुझे और ज्यादा वीट का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। इस प्रकार दोनों में कैसा रिलेशन बन रहा है, नेगेटिव रिलेशन, जिसकी वजह से इसका जो स्लोप है वो क्या है डाउनवर्ड है, नेगेटिव स्लोप है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था पीपीसी डाउनवर्ड क्यों है। अब बात आती है स्लोप ऑफ पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजन्स। स्टूडेंट, मैं बात कर रहा था कि स्लोप ऑफ पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजन्स। इस टॉपिक को समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है एमओसी, क्या होती है मार्जिनल
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये तो अलग से टॉपिक है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा, बट आपको मैं इतना समझा देता हूं कि पीपीसी का जो स्लोप होता है वो डिपेंड करता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब यहां देखिए बेटा, एक चीज ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जब भी आप ए से बी की ओर जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन ए से बी, राइस का एडिशनल प्रोडक्शन करने के लिए, एडिशनल प्रोडक्शन करने के लिए आपको वीट का एडिशनल प्रोडक्शन सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मतलब कुछ ना कुछ आपको वीट का प्रोडक्शन सैक्रिफाइस करना पड़ता है। पहले आपको 10 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए 10 यूनिट का सैक्रिफाइस करना पड़ा, फिर 10 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए 20 का सैक्रिफाइस करना पड़ा, फिर 10 के लिए 30 का सैक्रिफाइस, फिर 10 के लिए 40 का। इसे हम कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब एडिशनल यूनिट ऑफ गुड वन, मतलब एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करनी है आपने किसी भी गुड्स की, उसके लिए जो एडिशनल सैक्रिफाइस करना पड़ता है वो होती है आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन आप देखिए यहां पे जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी पहले 10 के लिए 10 का सैक्रिफाइस, फिर 10 के लिए 20 का, फिर 10 के लिए 30 का। इसी इंक्रीजिंग एमओसी की वजह से, एमओसी मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से जो पीपीसी का स्लोप बनता है वो बनता है कॉनकेव टू द ओरिजिन। मतलब क्या होता है बेटा कि जब भी हम लोग, मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ है, रिसोर्सेज आर यूज्ड स्पेसिफिक, कि भगवान ने जो रिसोर्सेज बनाए हैं वो क्या बनाए हैं, एक पर्टिकुलर काम के अंदर एफिशिएंट बनाए हैं, एफिशिएंट। अगर आप रिसोर्सेज को उनके एफिशिएंट यूज से हटाकर किसी दूसरे यूज में लगाओगे जिसके अंदर वो कम एफिशिएंट हैं, कम एफिशिएंट हैं, तो नेचुरली बात है जो यूज वन में हटाने से लॉस होगा वो ज्यादा होगा किससे, जो आपको, आपने उसको यूज टू में लगाया और यूज टू में लगाने से क्या हुआ, गेन। तो लॉस ज्यादा होगा और गेन क्या होगा, कम। जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि मैंने रिसोर्सेज को यहां से हटाया, वीट से कहां लगा रहा हूं, प्राइस के अंदर। हो सकता है वो लैंड जो हमारे पास है वो वीट के प्रोडक्शन के अंदर एफिशिएंट है, लेकिन आप कहां पे लगा रहे हो, राइस के अंदर। तो सेम यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए वीट का सैक्रिफाइस क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से एमओसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसकी शेप क्या बन रही है, कॉनकेव टू द ओरिजिन। तो ये था हमारा टॉपिक पीपीसी और उसकी फीचर्स। पीपीसी को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं, क्योंकि हम ट्रांसफर हो रहे हैं ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, ठीक है। या इसको हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, मतलब फ्रंटियर मतलब बाउंड्री, सीमा भी कहते हैं, ठीक है बेटा। तो इस टॉपिक को आप लोगों ने सुनना है, ध्यान से करना है, इसकी फीचर्स और उसकी डेफिनेशंस, ठीक है बेटा, ओके।